हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपके सिलेबस का इस सेशन में सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर को लेंगे लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस एक पेज का चैप्टर है देखो कई बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं बट देखो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा तीन अटेम्प में एक बार तो इससे आ जाता है और ये चैप्टर बहुत ईजी है जो पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम अगर आप वो मार्क कर लो और एग्जाम के पहले उनको देखकर चले जाए बाकी अगर आपको पहले से आता है तो एटलीस्ट आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ेगा देखो मैं एक एक चीज समझाता हूं इस चैप्टर का नाम है लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस मतलब बहुत सारे ऐसे स्पेशल केसेस जहां पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल कौन होंगे वो क्लियर करेगा ये चैप्टर जैसे केसेस होगा फर्स्ट कॉलम लाइबिलिटी क्या अमाउंट की है या क्या लाइबिलिटी है वो होगा सेकेंड कॉलम और कौन लाइबल है वो होगा थर्ड कॉलम तीनों कॉलम समझ लो चलो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके पहला केस बिजनेस अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उस बिजनेस की जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए कौन लाइबल है मैं सिंपल बताता हूं कौन सी दो लाइबिलिटी एक बिजनेस जिस दिन ट्रांसफर हो उस डेट तक की लाइबिलिटी और एक बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद की लाइबिलिटी देखो लिखा हुआ है अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर और फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो देखो जब तक बिजनेस ट्रांसफर हुआ उस डेट तक का जितना भी बिजनेस का लाइबिलिटी है उसके लिए टैक्सेबल पर्सन मतलब ट्रांसफर बोल दो आप टैक्सेबल पर्सन एंड द ट्रांसफर ही दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल है दोनों ही ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल है जे ऑब्लिक एस लाइबल बोलूंगा मैं आगे बढ़ते हैं और बिजनेस जिस दिन ट्रांसफर हो उसके बाद के लिए सिर्फ ट्रांसफर ही लाइबल है Obviously, वो तो लॉजिकल है आगे बढ़ते हैं एजेंट और प्रिंसिपल के, के केस में कौन लायबल है देखो एजेंट प्रिंसिपल के बिहार में सप्लाई करता है या रिसीव करता है टैक्सेबल गुड्स किसके में हाँ में प्रिंसिपल के हाँ में। तो टैक्स के लिए लायबल कौन होगा लॉ यहां पे भी एकदम सिंपल आंसर दे रहा है जॉइंटली और सेवरली दोनों लायबल है एजेंट एंड प्रिंसिपल तो देखो ये सब पॉइंट आपको याद ही नहीं करना लॉजिक से ही लर्न हो गया आगे बढ़ता हूं अमाल गमेशन डिमर्जर ऑफ टू कंपनी यहां थोड़ा दिमाग की जरूरत है देखो क्या हुआ कोई कंपनी डिमर्ज हो रही है तो ऑब्वियसली विल बी टू कंपनी डिमर्ज कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी और अमाल होती है दो कंपनी के बीच में तो यहां पे भी हो गई दो कंपनी अब होता क्या वो सुनो डेट ऑफ अमाल या डेट ऑफ अलग डेट है और कोर्ट को अप्रूवल मिला वो डेट आगे की है अलग है ऐसे केस में क्या होता है जिस दिन अमाल गमेशन हुआ या जिस दिन डिमर्जर हुआ उस डेट से लेकर जिस दिन तक कोर्ट का अप्रूवल आता उस डेट तक तो दो कंपनियां है लॉ की नजर में उन दो कंपनियों के आपस के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ तो उस पर टैक्स के लिए कौन लायबल है देखो लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑन सप्लाई टू ईच अदर कब किया ईच अदर मतलब आपस में दो कंपनियों ने कब ट्रांजेक्शन किया ड्यूरिंग इफेक्टिव डेट ऑफ अमाल कमिशन डिमर्जर टिल कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर डेट मतलब शॉर्ट में जिस दिन अमल हुआ जिस दिन डिमर्जर हुआ उस डेट से लेकर जब तक कोर्ट का अप्रूवल नहीं आता उस डेट तक अगर वो दो कंपनी जो आपस में अमाल गमेट रही है या डिमर्ज कंपनी कम्ण, रिजल्टिंग कंपनी अगर इन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन किया एक दूसरे के साथ उसके लिए लाइबल कौन होगा और बताता हूं मतलब कहता है जब तक court, का नहीं आता तब तक हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो फिर दोनों अपने अपने तो यहां पर ट्रिक था एंसर में दम नहीं था दोनों कंपनियों को अलग मानेगा तो दोनों अपने आ, के, आ, दोनों अपने अपनी अपनी सप्लाई के लिए अलग अलग लाइबल है हो गया नेक्स्ट कोई कंपनी लिक्विडेट कर रही है तो कंपनी का टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगा क्या होगा देखो सिंपल है

सम, समझ गए एकदम सिंपल सर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसका टैक्स लाइबिलिटी कमिश्नर निकाल कर देगा बट कैसे पहले लिक्विडेटर 30 डेज में कमिश्नर को इन्फॉर्म करेगा उसका अपॉइंटमेंट के बारे में और जैसे ही कमिश्नर को यह बात पता चली वहां से थ्री मंथ के अंदर कमिश्नर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल देगा अब कौन लाइबल होगा कंपनी सेल भी लाइबल थ्रू लिक्विडेटर तो कंपनी अपनी टैक्स लाइबिलिटी लिक्विडेटर के थ्रू पे करेगी हाव अगर पैसा इनसफिशियंट है सर तब क्या होगा तब प्राइवेट कंपनी के केस में सर पब्लिक कंपनी के केस में तो कुछ नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर लोग भी जॉइंटली और सेवरली लायबल है जितने भी कंपनी के डायरेक्टर वो जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे लेकिन देखो डायरेक्टर वर्ड के बाद मैंने स्टार मारा है जहां जहां डायरेक्टर वर्ड के बाद स्टार मारा उसका जवाब मैं यहां दूंगा तो अभी रुक जाओ सर एक बार और बता दिए देखो कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर का काम है वो थर्टी डेज के अंदर कमिश्नर को इंटीमेट करे कि मेरा लिक्विडेटर एज लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट हुआ है कमिश्नर थ्री मंथ लेगा वहां इंटीमेशन डेट से कि ठीक है मैं आपकी कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करके दे दूंगा जैसे ही टैक्स लाइबिलिटी कमिश्नर डिटरमाइन करके देगा वहां से कंपनी का ड्यूटी बनता है लिक्विडेटर के थ्रू वो अमाउंट को पे करे सर अगर पैसा इनसफिशियंट है तो प्राइवेट कंपनी के केस में ध्यान से सुना प्राइवेट कंपनी के केस में ही होगा सिर्फ डायरेक्टर लोग जितने भी उस कंपनी के जवाब बढ़ते का का ड्यूज है कौन से विद रेस्पेक्ट टू तो एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस फॉर एनी पीरियड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम सच कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी अगर अपने टैक्स को भरपाई नहीं कर पा रही है कोई प्राइवेट कंपनी और वो जीएसटी का पेमेंट अगर नहीं कर रही है तब उसका टैक्स का लाइबल होगा डायरेक्टर लोग उस कंपनी के जो भी होंगे वो और सेवरली लाइबल है इन सिंपल वर्ड सर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने टैक्स ड्यूज नहीं देगी तो उस कंपनी के डायरेक्टर लोग देंगे हो गया आगे बढ़ते आप नोट इस इसी पॉइंट के लिए पॉइंट नंबर फाइव के लिए एक नोट है डायरेक्टर लोग नॉट लायबल होंगे वेयर सच प्राइवेट कंपनी गेट्स कन्वर्टेड अ पब्लिक कंपनी लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर ली तो फिर डायरेक्टर लोग लायबल नहीं होंगे सिर्फ उनके पर्सनल पेनल्टी अगर उन पे कुछ लगनी है तो लग सकती है उसके अलावा कुछ भी नहीं शॉर्ट में बोले तो प्राइवेट कंपनी के ड्यूज अगर पे नहीं हुए तो वो प्राइवेट कंपनी के ड्यूज डायरेक्टर लोगों से लिए जाएंगे जॉइंटली और सेवरली सारे डायरेक्टर लायबल है लेकिन लॉ कहता है अगर वो कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी है तो डायरेक्टर लोग उसके बाद लायबल नहीं होंगे लेकिन इतना याद रखना ध्यान से सुनियो यहां पर लॉ कहता है डायरेक्टर लोगों पर अगर कोई पर्सनल पेनल्टी इंपोज की गई है तो वो कंटिन्यू रहेगी इवन इफ वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी आगे बढ़ते वो डायरेक्टर वर्ड के बाद जो मैंने एक स्टार मारा था आइए उसका जवाब जान लेते हैं डायरेक्टर सेल नॉट बी लायबल देखो मैंने दो केसेस में बताया था कि डायरेक्टर लोग प्राइवेट कंपनी के जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे लेकिन एक केस ऐसा है कहता है वो लोग लायबल नहीं होंगे कब अगर वो प्रूव कर दे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर दैट नॉन रिकवरी कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लेक्ट मिसविजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी को ये कंपनी के केस में अगर ये प्रूफ कर दे कि जो कंपनी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया या जो ड्यूज है वो पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो उसमें मेरी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है कोई नेग्लीजेंस नहीं है मैं प्रूफ कर सकता हूं तो ठीक है फिर डायरेक्टर लोग अगर प्रूफ कर देंगे तो वो डायरेक्टर जो लोग प्रूफ कर देंगे वो लोग इस लाइबिलिटी में शामिल नहीं होंगे मतलब उनको लॉ माफ कर देगा ये हो गया पूरा कंसेप्ट आई होप आपको समझ आया सर एक बार और रिपीट कीजिए बेटर सजेशन दे रहा हूं इसी रिकॉर्डिंग को वापस बैक जाके सुन लो चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट माइनर या पर्सन ऐसे लोगों के लिए टैक्स के लायबल कौन होगा जीएसटी अगर कुछ ड्यू है तो कोई भी अमाउंट ड्यू है तो रिकवर किया जाएगा उनके गार्जियन से ट्रस्टी से या कोई एजेंट से जो कैरी करे बिजनेस उनके बिहाफ में उनके बेनिफिट के लिए ये तो सिंपल था गार्जियन ट्रस्टी या कोई एजेंट जो उनके बिहाफ में काम कर रहा है या उनके लिए काम कर रहा है जो भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ टैक्सेबल पर्सन कंट्रोल्ड बाई अब काओ मत बोल देना कोर्ट ऑफ वार्ड से इधर फुल फॉर्म मिल जाएगा कोर्ट ऑफ वार्ड तो कोर्ट ऑफ वार्ड वगैरह लोगों का टैक्सेबल पर्सन कोई टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तो इस केस में उनके टैक्स के लिए लायबल कौन होगा देखो किसी भी तरह का अगर अमाउंट ड्यू है एनी अमाउंट ड्यू है तो रिकवर किया जाएगा उसी कोर्ट ऑफ वार्ड से एडमिन जनरल से ऑफिशियल ट्रस्टी से रिसीवर से या मैनेजर से अलग अलग नाम है मैंने इस तरफ इसीलिए कोर्ट ऑफ वार्ड एटसेट्रा लिखा था नाम इधर मिल गया आपको मतलब अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट अपॉइंट किया किया जाता जाता है है एडमिन जनरल ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है रिसीवर अपॉइंट किया, किया जाता है मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी टैक्स किसके ऑर्डर के थ्रू कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू तो उसका कोई भी अमाउंट डी हो उसके लिए जिम्मेदार वही लोग होंगे जिसको अपॉइंट किया गया है शॉर्ट में ऐसे बोल लो वही लोग होंगे जिसको अपॉइंट किया गया है कोर्ट ऑफ वार्ड मैनेजर ट्रस्टी यही लोग एडमिन जनरल ये सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपॉन डेथ डेथ ऑफ अ टैक्सेबल टैक्सेबल पर्सन पर्सन कोई की अगर हो जाए तो फिर उसके टैक्स के लिए लाइबल कौन होगा कोई भी अमाउंट उसका ड्यू है तो अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उनका एस्टेट को इनहेरिट किया था मतलब कोई आदमी है उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो कौन पे करेगा देखो उस बिजनेस को अगर बंद कर दिया गया उसकी डेथ के बाद तो भी उस बिजनेस का जो भी पार्ट बचा हुआ वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने लिया होगा वो लोग टैक्स की लाइबिलिटी पे करेंगे लेकिन आगे देखना अगर बिजनेस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है डेथ के बाद भी तब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग टैक्स पे करेंगे ये सिंपल लॉजिकल आंसर है दिमाग ही नहीं लगा रहा टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप वार्ड और ट्रस्ट किसी माइनर का कोई गार्जियनशिप था कोई वार्ड है जैसे कोर्ट ऑफ वार्ड वगैरह या ट्रस्ट कोई ट्रस्ट बनाया गया किसी माइनर के लिए या किसी के लिए भी तो उस तरह की चीज अगर टर्मिनेट हो जाती है तो टैक्स कौन पे करेगा देखो

जो डिस्कटी के वक्त वहां था मतलब फॉर्म में था सिंपल है ना जब उस वक्त जितने लोग भी पार्टनर थे तो बस ऐसे ही चल रहा है इस रिकॉर्डिंग को दो बार आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं आगे बढ़ो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एओपी और और का आप ध्यान दो मैंने नहीं कहा बंद हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है नया पार्टनर एडमिट हो गया कोई छोड़कर चला गया वो सब कोई भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ PSR change हो गया, वगैरह वगैरह। तो कोई भी अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर और करेगा, जितने भी पार्टनर और मेंबर एग्जिस्ट कर रहे थे ध्यान देना एग्जिस्ट कर रहे थे, आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेवरली लायबल यहां है फोकस इसको लगाओ इंपॉर्टेंट मार्क अगर कोई फॉर्म एओपी वगैरह का अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो चेंज इन कंस्टिट्यूशन डेट तक जितना भी टैक्स का लाइबिलिटी है उसको कौन पे करेगा पुराने एज वेल एज नए पार्टनर एंड सेवरली मतलब जिस दिन चेंज हुआ था उसके पहले जो पार्टनर थे या उसके जस्ट बाद जो पार्टनर है ये लोग सब ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल होंगे लॉजिकल भी है चेंज इन कंस्टिट्यूशन के बाद नया पार्टनर है तो वो भी लाइबल होगा क्योंकि उसको पता नहीं था कि फर्म की लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली उसका जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके तहत उसको भी पता होना चाहिए कि वो लाइबिलिटी उस पर भी आएगी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म का केस बहुत सिंपल है

अब आते हैं इस चैप्टर का एकदम लास्ट लाइबिलिटी पार्टनर ऑफ़ सर कोई पार्टनरशिप फर्म का, कोई पार्टनर, पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो लाइबिलिटी क्या होगी कौन देगा आओ, इसको बहुत फोकस से करना डबल स्टार है कमिश्नर इन राइटिंग इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है तो उस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों की ये ड्यूटी है दोनों में से कोई एक भी कर सकता है कि कमिश्नर को ये बात रिटर्न में बताए कब तक आओ बताता हूं अगर वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट बता दिया तब क्या होगा वो बताऊंगा और बियॉन्ड वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट बताया तब क्या होगा आओ जानते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रिटायर कर रहा है और एक महीने के अंदर कमिश्नर को बता दिया गया है कि वो रिटायर कर रहा है तब रिटायरिंग पार्टनर ध्यान देना रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा किस अमाउंट के लिए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कब तक ध्यान दो डेट ऑफ रिटायरशिप में पार्टनर है और आप आप करके करके जा रहे तो जिस वक्त वक्त गए उस उस तक का ही जो ड्यू है उस फर्म का का ही जो है उसी के लिए आप लायबल होंगे उसके बाद के ड्यूज के लिए आप लायबल नहीं होंगे लेकिन कंडीशन यह रहेगी कि उस पार्टनर को या फर्म को को जिस दिन रिटायर हुआ था पार्टनर वहां से एक महीने के अंदर और अगर एक महीने के अंदर इंटीमेट नहीं किया तब डेट ऑन विच सच इंटीमेशन इज बाय द कमिश्नर खेल ये है अगर पार्टनर रिटायर कर आपने रिटायरमेंट डेट से थर्टी डेज के बाद बताया मतलब सॉरी वन मंथ के बाद बताया वन मंथ ही कहोगे थर्टी डेज नहीं कहोगे वन मंथ के बाद बताया तो जिस दिन कमिश्नर को पता चला कि आप रिटायर किए हैं उस कमिश्नर को जिस दिन इंटीमेट हुआ उस डेट तक

पार्टनरशिप फॉर्म या रिटायरिंग पार्टनर ने रिटायरिंग डेट से एक महीने के अंदर कमिश्नर को नहीं किया इस बारे तब उस केस में, कहता है कि जिस दिन को रिटायरिंग पार्टनर उस दिन तक की जितनी भी जीएसटी लाइब्रेरी उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल रहेगा ऑब्वियसली अलॉन्ग विम एंड चलो इसके साथ चैप्टर ओवर एंजॉय स्टडीज ऑलवेज